अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपको जो है अलिफ तक ग की पढ़ाई करा दी है। आज हमने सरगर्मी करनी है। हमने जो आपको पढ़ाए थे आइन गैन फे काफ और क्याफ गाफ, ठीक है, इनकी हमने आपको सरगर्मी करवानी है। ये क्या सरगर्मी है? सरगर्मी उन्होंने एक ही दी है आपको, दिए गए हरूफ की आदि अशकाल लिखी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में ज्यादा वर्ड्स जो हैं वो स्मॉल लेटर से बनते हैं, इसी तरह जो है वो उर्दू में जो हमने अगर कोई लफ्ज लिखना हो या अल्फाज लिखने हो तो वो छोटी अशकाल से बनते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप छोटी अशकाल जो है वो प्रॉपर जो है वो सीखें। अब ये देखिए, उन्होंने आइन दिया है। क्या दिया है? आइन। तो आइन की छोटी अशकाल कैसी होगी जी? आइन मैंने आपको बताया था ये वाली शेप बना के, देखिये सी बना है और यहां से ऐसे आधी जो है ना इसकी आधी शेप बनती है आइन, ठीक है। आइन की आधी शेप बनेगी, जैसे कि आपने ये सी की सी वाली शेप बना दी और फिर ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आपने आइन को किया, यानी ये आइन वाली शेप यहाँ तक आ गई कि ये आइन स्टार्ट हो रहा है जी। ये आधी इसकी शक्ल बन गई है आइन, ठीक है। ऐसे ही गाइन, तो इसकी भी जो है वो सी, ये देखिए सी बना और ये गाइन, ठीक है जी, गाइन बन गया है। आइन और गाइन की सेम शक्ल है, लेकिन बस ये है कि आपने आइन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं डालना, गाइन के ऊपर नुक्ता डालना है। आगे आ गया फे, फे की मैंने आपको बताया था इतनी इतनी हाफ, ये देखिए ट्रायंगल की शेप से आप बना के उसका ये फेस, तो फिर उसको आप ऐसे करके आधी शक्ल लेकर आएंगे। ये देखिए ट्रायंगल की शेप से आपने फे को बनाया और फे की यहाँ तक आधी, नीचे से देखिए बे की शक्ल आ रही है। अब काफ आपने बनाना है दो नुक्तों वाला काफ, तो उसकी भी आपने ये देखिए ट्रायंगल छोटा सा बनाया और यहाँ से आपने बस इतना, ये जो है सीन शीन की गुलाई आती है लेकिन इसको हमने इतना सा करना है और दो नुक्ते डाल देने हैं, तो क्या बन जाएगा? काफ। क्या है? काफ। और क्याफ जो है उसको भी ये काफ, ये हमने सिर्फ आधा, ये देखें ये बे की शक्ल हमने बनाई है तो हमने इसको आधा बनाया है, ये देखें हाफ, नीचे से बे और ऊपर डंडा डाल दिया हमने, तो ये काफ बन गया। अब गाफ की आधी शक्ल भी सेम वैसे ही है, ये देखें काफ के ऊपर बस दो डंडे आएंगे और जो है और काफ के ऊपर एक आएगा। ये हमने इनकी आधी अशकाल लिख दी है, आइन की आधी अशकाल, गाइन की उसके ऊपर नुक्ता है, फे है, फे के ऊपर एक नुक्ता है, काफ है दो नुक्तों वाला और ये काफ है एक डंडे वाला, ये गाफ है दो डंडे वाला, ठीक है जी। इनकी आधी अशकाल हमने आपको लिखनी बता दी है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी घर में कोशिश करेंगे इनकी आधी अशकाल की प्रैक्टिस करने की। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।